सियानीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटेल नगर निवासी वृद्ध दंपत्ति जो कि 72 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति थी, दीपावली की रात को उनकी हत्या कर दी गई थी। आज उसी संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार जी द्वारा उस घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है वार्ता करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार जी। दंपत्ति की घटना का खुलासा हुआ, क्या क्या पाया गया? ये दिवाली की रात को एक बुजुर्ग दंपति की विभत्स हत्या हुई थी। उसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 व्यक्ति जो मौके पर हत्या करने में शामिल थे, उन्होंने हथौड़े से मार के ये हत्या की और उनके पीछे मेन मकसद उनके व्यवहार को लेकर जो नफरत पैदा थी उसका बदला लेना था। और उसमें उनकी प्लानिंग में 2 और लोग शामिल हुए जो इसमें अपना फाइनेंशियल गेन ढूंढ रहे थे। ये दिवाली वाले दिन एक बुजुर्ग दंपति की थाना सियानीगेट एरिया में हथौड़े से उनके सर पे वार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें टोटल 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 व्यक्ति जिनके सीसीटीवी फुटेज आए थे जो घटना करने में वहाँ मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने घर पर जाके ये घटना की, और एक अन्य व्यक्ति जो उनकी प्लानिंग में शामिल था। उन 3 लोगों के अलावा एक इस परिवार के क्लोज फ्रेंड हैं जो व्यापारी, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको जब इसके बारे में पता चला कि जो सुंदर है, जो मेन मोटिव रखता था हत्या करने का, वो जो हत्या की प्लानिंग कर रहा है, तो उन्होंने उसको प्रेरित किया कि वो ये कार्य करे, जिससे उनको उनके फाइनेंशियल और अन्य बेनिफिट मिल सके। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में प्रयुक्त हैमर और रक्तरंजित गमछा जो हत्यारे ने अपने मुँह ढककर कवर कर रखा था, जिससे और थैला जिससे हैमर लेके गए थे, ये बरामद किया गया है। पुलिस टीम ने इसमें मेहनत से काम किया, तो आईजी सर की ओर से सभी पुलिस टीम को 50,000 रुपये का इसमें नगद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।